हेलो गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज आप तो सुबह तक बात करने को मौका ही ना मिला, मैं चली गई थी। हमारे कोई रिश्तेदार एक्सपायर हो गए थे भाई, वहाँ चली गई थी मैं। मेरी जिठानी है ना, उनकी बहू गई, बुआ का और बेटा एक्सपायर हो गया। तो मैं सुबह यहाँ से 9 बजे निकली और अब आई मैं शाम को 4 बजे आई हूँ। सर धो के नहा धो के भाई फ्रेश हुई हूँ, खाना खाया है, भूख भी लग रही थी। और भाई जवान बच्चा था, बहुत दुख की बात है, जिस दिन उनके दादाजी एक्सपायर हुए थे ना उसी दिन वो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। तो खबर तो तभी फैल गई थी कि भाई ऐसे बात होगी। फिर 2-3 दिन बाद वो एक्सपायर हुआ है, हॉस्पिटल एडमिट था वो। भाई बहुत दुख की बात है ये चीज़, भगवान किसी के साथ ना करे, जवान बच्चा है। और भाई आप सुनाओ, सब बढ़िया? नागर साहब से भी पता ना आपसे बात हुई है ना भाई? मैंने तो बेटी तो पूछा, मैंने कहा पापा से बात हुई, करी मम्मी नहीं हुई, पापा भी ने भी ना करी बात। वो लोग आज बिजी है, मैं तो इससे बोल रही हूँ, मैंने कहा तू ब्रेजर लेके चला जाए कर, चल थोड़ा बहुत चलाए कर, तभी तो हाथ साफ होएगा। फिर कहने लगा मम्मी पापा तो जाते ना, मैं अकेला कैसे जाऊँ? अब आएंगे नागर साहब तो बात करूँगी, जाना तो पड़ेगा, ऐसे तो खड़ी रहेगी गाड़ी। पर नागर साहब पे भी चलानी आवे, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन जब नागर साहब ने मेरे सामने लाइव चलाई। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास ना आया कि वो चला ले मैं, लेकिन उस दिन तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ भाई नागर साहब भी गाड़ी चला ले, मैं खुद सरप्राइज होगी। तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, बस थोड़ा सा हाथ साफ ना है, वाई भी कर ही लेंगे। तो भाई अब नागर साहब आएंगे जब करूंगी आप तो और बात। राम राम भाइयों, सब बड़े बूढ़े भाई ने समझना, राम राम छोटे ने प्यार, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू नागर ब्लॉग। और सुनाओ जी कैसे हाल चाल, ठीक हो सब? ठीक ही हो ना, बस वैसे ही बैठे हो, क्या बताए ना, बस घूम घूम कर। तू 2 दिन तक घूम रहे, थक चुके हो पूरी तरह, कल भी सोएगा कल भी नहीं ना। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्या करूँ, मेरी देर तक सोने की आदत ना हो ना, क्या करूँ। आज भैया हमारी जो मैडम है गई सुबह की, बेचारी अभी आई है, किसी की डेथ हो गई थी तो वहाँ गई हुई थी, अब आई है। आते बेचारी फिर काम पर लग गई, मुँह मंडी को लेके हम सब्जी लेकर आए, तुम साग खाओगे? मैंने कहा साग कौन छोड़े है, साग की गिर कभी रोटी और बाजरे की बना देगी तो और बढ़िया। तो स्वाद जब बैठ जाए अजाब बन जाता हो, ठीक है जब बनाना लग रही है। मिलते मेरी लोंडे भी कॉम पर लग रही है, पूरी मेरी कचहरिया मुत नाराज सी है कुछ। मत करो भाई साहब, यू देख लो जी, यू बना रही काटने लग रही है साग, या कत बनाएगा यू? तो मैडम यू बनाएगा कल, आज काट कर रखा जाएगा। कहाँ काट रही है कटर? अभी तो सरसों काट रही है, नीचे दिखा देंगे सरसों। तो खैर अब काट रही हूँ पालक। काहे तक काट रही है? दरोत यार, देसी तर्रा ही रहेंगे। ये मेरे सासू सिखाया मुझे साग काटना बनाना, मेरे सासू माँ ने सिखाया भी मुझे साग बनाना काटना, सब वही आई ने सिखाया अपने पीर नसीबों, मैंने ससुराल में सीखा। देख लो जी, बाजरे की रोटी मक्का, माँ ने सिखाया हमारी, और बाजरे की रोटी मक्का की रोटी सब मम्मी ने सिखाया मुझे। पासी को होता ना हमने एडी पड़ रही है तो। भाई नागर साहब की डिमांड है, मैंने बस एक बार गलती कर दी, साग खाओगे? हाँ खाऊंगा, कहने की चलो तो सब्जी लेके आएंगे मंडी से। ओ 2 मिनट करी कर वो मंडी लेके चल, पूरी मंडी घूमी जब इन गए पूरे पास आके जब वो सरसों मिली, पूरी मंडी में सरसों नहीं, लेकिन नागर साहब साग खवाना बस। देख रहे हो कितनी केयर करूँ नागर साहब की, फिर भी नु कहना है कहाँ बताऊ, यू कैद न करेगी तो और कौन करा, कोई कैसी बात बाल करने वाली करे, यू भी करेगी और कौन करेगी, आते ही नु कह रही ही बोलते। अब मैं कहा कहूँ भाई, अब बन रही है कटहल की सब्जी, नागर साहब की फेवरेट, देख लो अब बना रही कटहल, नागर साहब को इंडियन कटहल बहुत पसंद है, कटहल बन मंडी से कटहल लाई, अब कटहल बन रही है। अच्छा मेरे को साग कट रहा है, बड़ी मेहनत कर रही है बेचारी, अब फिर भी नुक कुछ ना करे। भाई वाह, आते नु कह रही मेरे नागर साहब न दिखे मो सुबह तो सोझ होगी, मैं भाई इतना प्यार इतनी खुशी अपन मौसू से आगे क्या कर, क्या करे दिखावे ना, हो कहती रहे बस मैं न करूँ, मैं तो करूँ नहीं। खैर हमें तो पता हो तुम्हें अभी कि मुँह पे बात जो आ जा हम पूरी कर दे तो प्यार ना हो। हाँ जी भाई, हाँ यू कुछ कहना चाहो? आप एक चीज और दिखाएंगे, कल हमने नागर साहब गए थे पार्टी में किसी के भात में, तो वहाँ का ब्लॉग बनाया भाई, लेकिन हम कल ना दिखा पाए यहाँ पे,
आज दिखाएंगे वह ब्लॉग है जो नागर साहब ने बनाया आपके लिए, भात में क्या क्या हुआ क्या क्या सब जी हाँ तो दिखाएंगे। पूछा मत। हाँ तो बहुत जोर की बात तला हुई है, लठगड़ को मेरे भाई ने मजा समा बोंद दो चार भाई बुन गए वहीं मिल गए, फिर थोड़ी गाड़ी पे वार्तालाप होगी, थोड़ी वैसे बात तो होगी, हंसी हंसे पब्लिक नुका भैया यू तो यूट्यूबर है, यू तो यूट्यूबर है यू, या घर बच्चे घर वाले सब बना, मैंने मैं बनाऊंगी शरमाने क्या बात बनाऊँ मैं तो, इसमें क्या शरमाने के बाद जो कम करें करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए बस और प्यार चाहिए। Yesterday. राम राम जी सब बड़े बूढ़े भाई ने सब बनना राम राम छोटे ने प्यार, कैसे हो आप लोग? ठीक है जी, आगे एक पार्टी में आए हैं, ठीक है मिलते हैं आपसे बाद में दिखाता हूँ बात। राम राम जी बात दे दी हमने, ये हमारे संजय मावी जी ने दोनों वहाँ पे, ये हमारे भाई नागर साहब बड़े, ये हमारे यशपाल मावी जी है, ये होम के प्रधान है, ज्यादा अच्छी है तो जैसे कि थोड़ा मनोरंजन करेंगे, मनोरंजन क्या करे वहाँ बता नौ छोड़ेंगे नौ चलो भी भैया अरे जब है जब हो रहा होगा हर दिन पे भी ध्यान रखना पड़ा ये जी पुराने जमाने का डांसर है बहुत सुन रहा है ये पुराने जमाने का डांसर है जी बड़े बाबा पुराने भाई भाई पूछ भाई आगे नहीं कर सकते बड़े बाबा जो है ना मन के ब्याह में जो ऊंची कूद मारी ना दो हाथ में कर गए वैसे कोई नहीं कर सकता भाई कुछ कहना चाहो वैसे डालोगे उसको कुछ बहुत करे बहुत बोतल की शादी निपटाई मैंने, मैं पूरा टक्कर देख रहा हूँ बालक बालक यहाँ देख देख के सब जगह स्टेप कर सबसे बड़ी कटिंग तेने भी कम ना करे जो हुए चश्मे पहनना सिखा दिया अगले दिन देखा सब बालक ऐसी कटिंग करवा करे चश्मे पहनना सिखा दिया मैंने चश्मे नए स्टाइल के पूरे वो जैसी कोई कटिंग रहा वैसी कटिंग करवा कर पूरे प्लेन में हमारे बड़े भाई साहब हमारे दैन जी है जी ये हमारे बड़े भाई साहब है भाई साहब तो देख देख के सीखो ये सीख रहे पूछ लो भाई साहब अरे भाई साहब बादल में है कम से कम तो ऊंची मारी हुई है ना क्यों हाथ करे जो मैंने भाई साहब आज जो मन कहो रोड मो याद आ जाओ भाई ने जो हमारी छलन कबड्डी वाली ये हमारे ये देखो मैं वही हूँ जो गाड़ी में नहीं बैठा हूँ अब ले जाओ आप दे दे चाबी मैं सब बैठ लिए मैं देखो चार दिन हुए आप अब बैठ जाओ चाबी की बात दे दीजिए हाथ दे हमने जब तक हाथ बना लिया आगे पड़ी हुई देखो किसकी वाली चाबी आपकी है तो भाइयों फिर आ सको आपके आपके लिए आपकी सेवा में आपके भाई बंधु नागर साहब नागर साहब रह गए भैया अब तो कोई वैसे अभी कल हम भी मजाक उड़ाती है हमारा नागर साहब पूरे मोहल्ले में पूरे गांव बस्ती में सब मौजूद होगी हो। नागर साहब ना कैसा फ्री है देख लो तो तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना रिस्पेक्ट दे रहे हैं पूरी पूरी हाँ पूरी वैसे तो तुम चाचा लोग चाचा तो कह रहे नागर साहब कह रहे तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं कौन लोंडा हो बेचारा ईशांत भिदूड़ी जी है कोई हमारे शुभ चिंतक तो भैया वो भी बना हुआ है फिर क्या कह रहा हो भाई नाम ले लिया हमने तेरा तो प्यार बहुत है ठीक है जी ईशान ईशान भिदूड़ी जी
हमें बोल लन देगी बोले ही नोते भैया, वो हमारे भाई साहब ही लगे हैं वैसे, कौम बस्ती हमारी भाई बंधु में आ गए हैं, ठीक है, उनको पोतो है, ठीक, बहुत बढ़िया लड़का है एकदम, गुड नो एक नंबर, या के जैसे एक नंबर है, जैसे चिरकुट एक नंबर है, ठीक है जी, ओके बेटे, ठीक है ना, बाद में फिर बाय बाय, बाद में मिलते हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं, एंड आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, थैंक यू।